आपका डिमांड क्या है? आपका डिमांड यहाँ पे जो इश्यू चल रहा है करना, आप लोग की मांग क्या है? आपका मांग क्या है? आपका मांग क्या है? आपका मांग क्या है प्रधान? आपकी मांग क्या है? आपकी मांग के बारे में बताइए। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं असम भवन के ठीक सामने, जहाँ से आप देख सकते हैं चारों तरफ जो ये प्रशासन की व्यवस्था की गई है, जो पुलिस की कड़ी बंदोबस्त यहाँ की गई है। दरअसल ये व्यवस्था एक छोटे से प्रदर्शन को रोकने के लिए है। छोटा सा प्रदर्शन जिसका आह्वान किया गया था आयशा की ओर से, वो कर्नाटक भवन जो इससे लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ होने वाला था, जिसको बाद में वहाँ मंजूरी नहीं मिली। फिर वो लोग यहाँ पहुँचे और यहाँ जैसे ही वो पहुँचे प्रदर्शन, तो दूर की बात उन्होंने अभी तक कुछ मतलब टीम भी कोऑर्डिनेट नहीं की होगी, उन्हें यहाँ से डिटेन कर लिया गया। मतलब किसी भी तरीके से कर्नाटक की जो तस्वीरें हैं जो आप तक शायद नहीं पहुँच रही, या उस पर अगर कोई आवाज़ उठाने की कोशिश भी करता है, कोई भी युवा संगठन, कोई भी छात्र संगठन, तो उसको उठने से पहले ही किस तरीके से दबाना है, ये पूरी व्यवस्था आपको चीख चीख कर बता रही है। कर्नाटक में जिस तरीके के लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं, और मुस्कान का वो जो हिजाब पहने हुई, बुरखा पहने हुई जो लड़की का वीडियो सामने आया था, जिसको चारों ओर से जो भगवाधारी छात्र थे उन्होंने घेर कर जय श्री राम के नारे लगाए, और उसने उनका विरोध करते हुए अल्लाहू अकबर के नारे लगाए, वो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। एक और वीडियो है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है, उसमें मतलब हज़ारों की तादाद में छात्र और छात्राएं भगवा गमछा पहने, पगड़ी पहने हुए जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इस तरीके की कुछ स्थितियां जो हैं वो कर्नाटक में बन रही है, जहां बीजेपी की सरकार है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जहाँ बीजेपी अपने प्रशासन की व्यवस्था की दुहाई देकर जनता से वोट की अपील कर रही है, अपनी महिला सुरक्षा की दुहाई देकर प्रशासन जनता से वोट मांग रही है, तो वहीं दूसरी ओर कर्नाटक में बीजेपी की सरकार इन सब पर एकदम खामोश है। हालांकि वहां जो कॉलेज है उसके आसपास के 200 मीटर के एरियाज़ में वहां पर 144 की धारा लगा दी गई है, ताकि व्यवस्था जो है वो ख़राब ना हो। और इसके अलावा मामला ऑलरेडी कर्नाटक हाईकोर्ट में है, जहाँ 3 जजों की एक बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। लगातार इस मामले पर सबकी नज़रें बनी हुई है, क्योंकि ये बात यहाँ इंडिविजुअल राइट की है, हर इंसान की अपनी राइट की है। बुरखा, घूंघट, इस तरीके की जो प्रथाएं हैं उसका कोई समर्थन नहीं करता हालांकि, लेकिन बात यहाँ ये है कि शिक्षा के लिए अगर लड़कियों को अपने बुरखे आप उनका प्रतिरोध करते हैं, तो ये एक बड़ी बात है, और यहाँ उनके अधिकारों का हनन उनके बीच में आ जाता है। इन सब पर ऑलरेडी ये मामला जो है वो कोर्ट के निगरानी में है, और इस पर कार्रवाई लगातार जारी है, उसकी अपडेट भी हम हर पल आपको देते रहेंगे। और यहाँ से अभी जो प्रोटेस्टर्स आएंगे, उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि उनकी भी बात, जो कि हालांकि प्रशासन पहुँचाने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं दे रहा, लेकिन हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका डिमांड बोलिए।